घर में सुख शांति नहीं मिलती, हमेशा टेंशन सी रहती है, तो आज से ही यह 14 काम करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सुख शांति नहीं मिलती है, वो हमेशा गहरी सोच में ही लगे रहते हैं, हमेशा उन्हें किसी ना किसी बात की चिंता सताती रहती है, उनके पास सब कुछ होने के बाद भी हमेशा परेशान रहते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कई बार उनकी कुछ गलतियों के कारण उनके ग्रह खराब हो जाते हैं और उनके घर में मनहूसियत और दलीदार लग जाती है, जिसकी वजह से वो कभी भी खुश नहीं रह पाते। इसीलिए आज हम जानने वाले हैं 10 ऐसे आसान उपाय जिसको करने से हमारे घर से मनहूसियत दूर हो जाएगी और खुशहाली घर में वापस लौट आएगी। नंबर 1, बृहस्पतिवार। दोस्तों, शास्त्रों में वीरवार को बहुत ही महत्व दिया गया है। इस दिन आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीले वस्त्र पहने या फिर पीले रंग का फल जरूर खाना चाहिए। वही बुधवार को आपको पी वस्त्र नहीं पहने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि दोबारा लौट आएगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपकी जिंदगी में जितने भी परेशानी होगी वो सब दूर हो जाएगी। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है, रात में सोने से पहले आपको रसोई घर में बाल्टी में पानी भर कर रख देना है। अगर आप ऐसा रोज करते हैं तो आपके सभी कर्ज बहुत ही जल्द खत्म हो जाएंगे। अगर आप बाथरूम में बाल्टी में गंदा पानी यूं ही छोड़ आते हैं तो आपके जीवन में कभी उन्नति के मार्ग नहीं खुलेंगे, इसलिए आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। नंबर 2, आपको मंदिर में पूजा सुबह 6 माल से 8 वन के बीच में ही करना है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको कभी पूजा जमीन पर बैठकर नहीं करनी है। आपको पहले जमीन पर कोई चटाई या फिर कपड़ा बिछा लेना है और फिर उस पर आसन ग्रहण करके ही पूजा करनी है। नंबर 3, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि अगर आपके घर में किसी भी नल से या फिर किसी अन्य जगह से पानी हमेशा पानी टपकता रहता है तो यह आपके घर के धन हानि के संकेत हैं। जिस तरह एक एक करके पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, इस तरह आपका पैसा भी आपके घर से धीरे धीरे करके जाता रहता है। नल से पानी का टपकना बहुत ही अशुभ माना गया है। जिन घरों में नल से पानी टपकता रहता है उसे घर में कभी भी सुख शांति नहीं होती। इसकी वजह से घर में वास्तु दोष लग जाता है और घर में दलित वास करने लग जाती है। इसलिए अगर आपके घर में नल से पानी टपकता है तो आपको इसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। नंबर 4, सप्ताह में एक बार जरूर समुद्री नमक या फिर सेंधा नमक को पानी में मिलाकर घर में पोंछ लगाएं। इससे आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और घर में खुशहाली लौट आती है। सेंधा नमक या फिर समुद्री नमक को पानी में मिलाकर अगर आप हर हफ्ते में एक बार पोंछा लगाते हैं तो यह आपके घर के कीटाणुओं को तो मरता ही है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को भी आपके घर से दूर रखता है। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधों को लगाना बहुत ही शुभ माना गया है, जिसमें तुलसी के पौधे को बहुत ही अहम स्थान दिया गया है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक हर घर में तुलसी का एक पौधा जरूर होना चाहिए। जिन भी घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर हमेशा खुशहाली बनी रहती है और तुलसी का पौधा धन आगमन का भी संकेत देता है। नंबर 6, घर में मिश्री युक्त खीर जरूर बनाए। मित्रों, आपको महीने में एक बार किसी भी दिन मिश्री युक्त खीर जरूर बननी चाहिए और फिर उसको परिवार के सभी सदस्य को खिलाए। खीर बनाने के बाद सबसे पहले घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को खीर खानी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहती है। आपकी बात का ध्यान रखना है, इस सूर्यास्त होने के बाद आपको किसी तेरी मांगने पर उसे दूध दही या प्याज नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी धरती बरकत खत्म हो जाएगी, सुख शांति आपसे मुंह मोड़ लेती है। साथ ही आपको कभी भी अपने की छत पे कपट दद या फिर अनाज नहीं धोना है। नंबर 7, घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए और ना ही आपको झाड़ू काम होने के बाद उसे यूं देखना चाहिए। कई लोग जल्दीबाजी में झाड़ू क्यों हिस्से का चले जाते हैं। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर आज झाड़ू को फेंक कर चले जाते हैं, सजा माता लक्ष्मी के अपमान के समान होगा। इसी के साथ आपको कभी भी झाड़ू से प्यार नहीं लगानी चाहिए, नहीं आपको कभी भी झाड़ू के ऊपर से गुजरना चाहिए। झाड़ू का काम होने के बाद उसे अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति की नजर उस पर ना पड़ सके। नंबर 8, घर में क्लेश को रोकने के लिए यह आसान उपाय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आपको एक चुटकी केसर को पानी में मिलाकर स्नान करना है। स्नान के बाद पूजा पाठ करें और फिर केसर का तिलक लगाएं। आपको केसर को दूध में मिलाकर पीना है। इससे आपके घर में हमेशा शांति बनी रहेगी और क्लेश नहीं होगा। नंबर 9, रात में भूलकर भी झूठे बर्तन को रसोई में ना छोड़े। कई लोग रात को खाना खाकर झूठे बर्तन तन को सुबह
धोने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करने से घर में दलिंदर होता का वास हो जाता है, इसलिए आपको रात को ही सारे बर्तन को धो लेना है। रसोई हमारे घर का बहुत अहम हिस्सा होता है, इसीलिए रसोई में ज्यादा देर तक झूठे बर्तन को नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ जब भी पूरा परिवार कहीं बाहर जा रहा हो तो सभी को एक साथ नहीं निकलना चाहिए, परिवार के सभी सदस्य को एक एक करके आगे पीछे होकर निकलना चाहिए, यानी कि एक या दो मिनट बाद निकलना चाहिए। इसे आपके यश में वृद्धि होती है और समाज में आपका मान सम्मान बना रहता है। नंबर 10, वस्तु शास्त्र के अनुसार सभी को अपने दुकान या फिर घर में पूजा स्थल पर रोजाना घी का या सरसों के तल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर और दुकान की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी और घर या फिर दुकान के धन में वृद्धि होगी। नंबर 11, घर का मुख्य द्वार। दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए, इससे आपके घर में खुशियां आती हैं और धन आपके घर की तरफ आकर्षित होता है। पूर्व और उत्तर खंड घर के लिए बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि यह ऐसी दिशाएं जहां से घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। साथ ही आपको अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना है, ताकि जब कभी भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर आए तो वह आपकी घर की साफ सफाई को देखकर आपसे प्रसन्न हो जाए। नंबर 12, आमतौर पर कुछ लोग अपने बेडरूम में चप्पल पहनकर चले जाते हैं, लेकिन ये बहुत गलत आदत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जूते चप्पलों को हमेशा घर से बाहर ही निकाल देना चाहिए, हो सके तो अपने मुख्य द्वार के पास ही चप्पल रखने के लिए रैक बनवा ले। अगर आप चप्पल को यूं ही घर में कहीं भी उतार देते हैं तो इसे माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है। नंबर 13, घर का क्लेश दूर करने के लिए आपको रात में सोने से पहले किसी भी पीतल के बर्तन में कपूर लेकर उसे आप गाय के शुद्ध देसी घी नेट को लेना है और फिर इसे जलाकर अपने पूरे घर में घुमाना है। इसे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी और घर का क्लेश दूर हो जाएगा, घर में सुख शांति आ जाएगी। अगर आप चाहे कैसे सप्ताह में किसी भी एक दिन कर सकते हैं। ध्यान दें, इस कार्ड में आपके पूरे घर के कोने कोने में मकर चाहिए, जिससे कि आपके ग्रह क्लेश खत्म हो जाते हैं। नंबर 14, दीवार घड़ी। कोई बात ध्यान रखना कि आपके घर की दीवार घड़ी हमेशा चालू रहे और आपकी हर की दीवार घड़ी बिल्कुल भी टूटी फूटी ना हो। अगर आपकी दीवार गिरी टूटी फूटी है या फिर रुक गई है तो ऐसा माना जाता है कि आपका भाग्य भी उसी रुकी हुई घड़ी की तरह रुक जाता है। साथ ही आपको विवाह घड़ी को पूर्व, पश्चिम और उत्तर की दीवार में ही लगाना चाहिए। ये दिशा में घड़ी लगाने से आपको आपके जीवन में सफलता के कई सारे अवसर प्राप्त होंगे। आज बिना किसी समस्या के आपके सभी काम फोन हो जाएंगे। आज की यह जानकारी जन्म रिसीवर ध्यान में रखकर दी जा रही है। वस्तु सांस के उपाय अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हम इस अंदर में किसी प्रकार का दावा नहीं करते।